हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ का पार्ट टू, और ये है 11th ऑफ जनवरी से 17th ऑफ जनवरी तक के सारे करंट अफेयर। ये करंट अफेयर प्राइमरीली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से लिए गए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही मैं किसी किसी करंट अफेयर का आपके साथ बैकग्राउंड भी डिस्कस करूंगा, जिससे आपको उसका कंटेक्स्ट समझने में ईजी हो और याद रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। देखिए, सबसे पहले करंट अफेयर है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस की सेकेंड यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021। ये सेकेंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल है और ये एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और यूथ अफेयर मिनिस्टर जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, ये भी प्रेजेंट थे। तो आपको पता होगा कि 12th to 16th को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ फेस्टिवल, और 12th जैन को बर्थ एनिवर्सरी भी होती है स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 12th जैन को एनिवर्सरी भी होती है स्वामी विवेकानंद की। और 12th जैन को नेशनल यूथ डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नेशनल यूथ डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं, तो इस डे को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जामिन करेगा, ठीक है, एग्जामिन करेगा कोर्ट के वर्डिक्ट को ऑन द इम्पैक्ट ऑफ आधार कार्ड वर्डिक्ट प्राइवेसी पे जो आया था, और ये रिव्यू जो है वो किया जाएगा, 5 जज की एक बेंच बनेगी, और कौन करेगा इस रिव्यू को, ध्यान रखिएगा, इसको करेंगे जस्टिस AM खानविलकर, ध्यान रखिएगा, जस्टिस AM खानविलकर करेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट विल रिव्यू द कोर्ट डिसीजन ऑन द प्राइवेसी इफेक्ट ऑफ द आधार कार्ड वर्डिक्ट, और एक 5 जज की बेंच बनेगी और ये जस्टिस AM खानविलकर इसको लीड करेंगे। ठीक है, तो ये जो आधार कार्ड का वर्डिक्ट है ये डिक्लेयर किया गया था सितंबर 2018 में, और ये जो जजमेंट थी कोर्ट की वो डिक्लेयर किया गया था कि आधार कार्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, बट इसमें एक सेक्शन था 57, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था आधार एक्ट का, जो अलाउ करता था कि इट टू बी लिंक्ड टू बैंक्स एंड अदर एंटिटीज। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, जनवरी 10 को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे जनवरी 10 को होता है, तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से हिंदी जो है वो थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, और पहली दो लैंग्वेजेस कौन है, ध्यान रखिएगा, पहली है इंग्लिश और सेकंड है मैंडेरिन। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वर्ड हिंदी डे था। इसके अलावा आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि हर साल इंडिया सेलिब्रेट करता है 14 सितंबर, हिंदी डे, इसको नेशनल हिंदी दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी जो है वो अडॉप्ट की गई थी ऑफिशियल लैंग्वेज कंट्री की 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी छोटी सी, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, TCS सर्विस लिमिटेड, TCS जो है वो सेकेंड इंडियन कंपनी बन गई है टू रीच द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹12 लाख करोड़। ठीक है, और ये इसमें ग्रोथ काफ़ी हुआ दिसंबर के बाद सेकेंड क्वार्टर में। इसके बाद आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट कौन सी थी, फर्स्ट थी रिलायंस। ठीक है, पहली जो अचीव किया था एम कैप 12 लाख करोड़ का वो थी रिलायंस। तो ये दो ध्यान रखिएगा कि ये दो कंपनीज पहुंच गई हैं, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो पहली थी रिलायंस और दूसरी थी TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस। फिर देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेके। तो रिसेंटली ये न्यूज़ चल रही थी कि न्यू व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी आई है, और लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे इसको कि आप जो हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाएगी। और एक नया नोटिफिकेशन आया, ठीक है, व्हाट्सएप अकाउंट के यूजर्स में आपको भी आया होगा, और आपको वो अप्रूव करना है, ठीक है, 8 फरवरी तक इस प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के। तो इसको लेकर के अभी काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है, ये न्यूज़ में था तो फिर आपके साथ इसको शेयर किया है। ठीक है, तो जो नई पॉलिसी आई है, ठीक है, उसमें व्हाट्सएप कहता है कि
वो अपना वो शेयर करेगा यूजर की इंफॉर्मेशन को जो ऑटोमेटिकली कलेक्ट करता है उनके लिए विथ फेसबुक एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। और इनका ऐसा एक्सप्लेनेशन है कि इनको कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है इस तरीके से, तो देखते हैं इसमें क्या होता है अभी आगे चल के, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने बिना पढ़े उसको वैसे ही अप्रूव कर दिया होगा। फिर देखिए, एक रिसर्चर्स ने फाउंड की, डिस्कवर की एक न्यू स्पीसीज फ्रूट फ्लाई की कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट से, तमिलनाडु से। और ये जो स्पीसीज है ये फाउंड की गई है नियर सिरुवेनी, ठीक है। सिरुवेनी एक हॉट स्पॉट है, और जो स्पीसीज है, ठीक है, उसको सिरुवेनी के ही नाम से रखा गया है। ध्यान रखिएगा, जो फ्रूट फ्लाई है उसका नाम रखा गया है यूफ्रंटा सिरुवेनी। और सिरुवेनी वेस्टर्न घाट्स में एक हॉट स्पॉट है जहाँ पर बहुत सारी डाइवर्स स्पीसीज देखने को मिलती हैं हमें। फिर देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कौन है? नितिन गडकरी हैं। उन्होंने लॉन्च किया है एक नया पेंट जिसको नाम रखा गया है खादी प्राकृतिक पेंट, इसका नाम रखा गया है और इसको लॉन्च किया गया है। ये एक नया और एक इनोवेटिव पेंट है जो डेवलप किया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने। ध्यान रखिएगा, किसने डेवलप किया है इसको? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने इसको डेवलप किया है। तो ये बेसिकली नॉन टॉक्सिक पेंट है और इको फ्रेंडली पेंट है, ठीक है। और ये सर्टिफाइड है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से। तो दो तरीके के ये पेंट अवेलेबल होंगे आपको, बेसिकली एक प्लास्टिक इमल्शन पेंट और डिस्टेम्पर पेंट, ठीक है। पर आप ये मोटा मोटा ध्यान रखिएगा कि ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है खादी प्राकृतिक पेंट KVIC ने, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने। फिर आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ये भी पीछे मैंने डिस्कस किया ही है, सिरुवेनी, ठीक है, ये हॉट स्पॉट है वेस्टर्न घाट्स में, यहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाइज देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, सिरुवेनी को बटरफ्लाई का हॉट स्पॉट है। फिर देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने इंडियन यूथ को बोला है कि वो आए, बाहर आए, और एक एक सेमिनार टाइप का, समिट टाइप का हो रहा है, उसका नाम है प्रारंभ। ध्यान रखिएगा, प्रारंभ नाम है, ये एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप है इंडिया इंटरनेशनल समिट में, ठीक है। और इसको अटेंड करने के लिए बोला गया है, तो इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स आएंगे, डिफरेंट माइंड्स आएंगे, जो यंग स्टार्टअप लीडर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से, जैसे एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, और बहुत सारे हैं। तो आप इसको प्रारंभ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए, ये तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए, ठीक है। फॉर द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, दी हेरिटेज कंजर्वेशन कमिटी, तो हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी ने अपना अप्रूवल दे दिया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और ये बिल्डिंग बननी है नई, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अप्रूव कर दिया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को 5th जून को, ठीक है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट डिटेल में हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया था। तो ये आपको बेसिकली यहाँ पर ये बता देता हूँ कि हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी होती क्या है। देखिए, हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट दिल्ली में जो है, ठीक है। तो हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी जो है वो दिल्ली में ही बिल्ड की गई है अंडर सेक्शन 23, ठीक है, दिल्ली बिल्डिंग बायलॉज के अंडर में। तो इतना डिटेल में याद नहीं रखना, बस हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी को आप लोग ध्यान रखिए कि पर्पज़ क्या है उसका। तो इसने भी इसको अप्रूवल दे दिया। फिर देखिए, एक फॉर्च्यून 500 कंपनी हेडक्वार्टर उसका कहाँ है? स्वीडन में है, और ऑटो लिव इंक्लूसिव, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कंपनी का नाम ऑटो लिव कंपनी इंक्लूसिव। ये कंपनी जो है वो सेटअप करेगी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में, और ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे लग रहा है? ये लग रहा है तमिलनाडु में, ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी है जो इंडिया में प्लांट लगा रही है, तो कहाँ पे लगा रही है? तमिलनाडु पे लगा रही है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एयर बैग्स वगैरह बनाती है, और सीट बेल्ट्स हो गया, स्टीयरिंग व्हील्स हो गया, ठीक है। तो ये सब पार्ट्स आपके मैन्युफैक्चर करती है। फिर देखिए, इंडिया जो है अपना मास वैक्सीनेशन, ठीक है, वो शुरू करने जा रहा है ड्राइव 16th ऑफ जनवरी से।
और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एंडोर्स किया है एफिकेसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वैक्सीन इन ऑर्डर टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग सिटीजन फॉर द टू अप्रूव्ड वैक्सीन इन द कंट्री। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कौन सी दो वैक्सीन है, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये दो वैक्सीन कौन सी है जो अप्रूव की गई है, ठीक है। फिर देखिए 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये होगा 16 to 24 2021, और इसमें जो फोकस कंट्री होगी वो होगी बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, और फोकस कंट्री कौन होगी वो बांग्लादेश होगी। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये ईयर 1952 में फाउंड किया गया था, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फिल्म फेस्टिवल है एशिया का, और ये फेस्टिवल एनुअली हेल्ड होता है गोवा में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इस बार फोकस कंट्री कौन है इसकी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, ध्यान रखिएगा इंडियाज लार्जेस्ट, ठीक है, कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, इसका नाम है सी विगिल, ध्यान रखिएगा सी विगिल इसका नाम है, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो अराउंड 7516 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है, इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेथ हो रही थी इंसेक्ट्स की और वो बहुत डिक्लाइन कर रहे हैं हर साल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो इससे पूरा इकोसिस्टम और इकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब होती है। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में वेरीफाई किया कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, और जो तीन फॉर्म लॉ थे उनको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सस्पेंड कर दिया है अभी, ठीक है, आपको पता होगा कि वो तीन फॉर्म लॉ कौन कौन से हैं, ठीक है, पहला पहला फॉर्म था द थ्री लॉज, ये थे असेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, दूसरा था फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विसेज एक्ट, और तीसरा था फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, ठीक है, तो अभी इनको सस्पेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने इनके इम्प्लीमेंटेशन को, तो आगे देखते हैं, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे तीनों के बारे में। फिर ये देखिए इम्पोर्टेंट है 2021, ठीक है, 2021 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इसको रिलीज किया गया, और हेनले एंड पार्टनर रिसर्च डिपार्टमेंट ने जो है वो प्रिपेयर किया ये इंडेक्स, ठीक है, तो आप लोग को क्या ध्यान रखना, आप लोग ध्यान रखिएगा जापान, जापान जो है वो मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा जापान का पासपोर्ट मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है, और इंडिया की क्या रैंक है, इंडिया की रैंक है 85th, ध्यान रखिएगा इंडिया की रैंक है 85th। फिर देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, नीति आयोग और फ्लिपकार्ट, तो नीति आयोग और फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली लॉन्च किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म टू एम्पावर एंड टू अपलिफ्ट वुमेन लेड कंपनीज इन इंडिया, दिस रिवैम्प प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड, ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग और फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, ठीक है, काम करने के लिए, और वुमेन के जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है, तो एक फिक्की के बारे में भी जान लीजिए, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पहले तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, ये ट्रेड एसोसिएशन है और इंडिया ही बेस्ड है ये ग्रुप, ठीक है, ये नॉन गवर्नमेंट ग्रुप है बेसिकली, और 1927 में इसको फाउंड किया गया था। फिर आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, वो है अमिताभ कांत, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं, ठीक है, ये
ध्यान रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और 1927 में ये ग्रुप फाउंड हुआ था। फिर देखिए प्रकाश जाडवेकर, ठीक है, प्रकाश जाडवेकर ये कौन है? एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं। इन्होंने रिसेंटली रिलीज की मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन रिपोर्ट, एक रिपोर्ट रिलीज की, इसका नाम था मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन रिपोर्ट, ठीक है, प्रकाश जाडवेकर जी इन्होंने रिलीज की। और इस रिपोर्ट में बेसिकली इवोल्यूशन था नेशनल पार्क्स का और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का जो इंडिया में है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका रिपोर्ट का नाम मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन। और इन्होंने एक ये भी लॉन्च किया मी जू, ठीक है, इन्होंने मी जू करके लॉन्च किया है, मैनेजमेंट इफेक्टिव इवोल्यूशन ऑफ इंडियन जूज फ्रेमवर्क। इस इवेंट में अब ये गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करेगा, तो मी जू यही है मैनेजमेंट इफेक्टिव इवोल्यूशन, ठीक है। ये रिपोर्ट लॉन्च की और मीजू करके एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया कि किस तरीके से क्या इंडिकेटर होने चाहिए नेशनल पार्क्स के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए क्यूबा, ठीक है, तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, क्यूबा को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दिया है। और ये डिक्लेयर किया गया है बाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? माइक पोम्पियो, ध्यान रखिएगा इनका नाम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्यूबा को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का टैग दे दिया गया है। फिर देखिए हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट, ये रिलीज की गई। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 11 प्राइवेट इंडियन कंपनीज जो हैं वो इंक्लूड की गई इन लिस्ट ऑफ हुरून 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। ध्यान रखिएगा हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट रिलीज की गई और 11 प्राइवेट इंडियन कंपनीज जो थी वो इस लिस्ट में इंक्लूड की गई, ठीक है। और इंडिया की रैंक इस चार्ट में जो थी वो 10th थी और 11 इंडियन कंपनीज थी, इंडिया की रैंक 10th थी। और सबसे टॉप पे कौन थी? सबसे टॉप पे थी रिलायंस, ठीक है। ध्यान रखिएगा सबसे टॉप में जो कंपनी थी इसमें वो रिलायंस थी। और अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस 12 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन किसने इस बार क्रॉस किया, टाटा ने, तो सेकंड नंबर पे थी इसमें हमारी टाटा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। बाकी और भी कंपनीज थी, HDFC हो गया, इन्फोसिस हो गया, ICICI हो गया, ये सब थी, पर आप टॉप टू ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रिलीज की एक रिपोर्ट, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, RBI की ये रिपोर्ट है और इसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने इनाग्रेट किया 5th नेशनल कायाकल्प अवार्ड, ध्यान रखिएगा 5th नेशनल कायाकल्प अवार्ड इन्होंने किया। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेसाई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ध्यान रखिएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेसाई ऑफ J&K, इसने जीता है फर्स्ट प्राइज अंडर कायाकल्प स्कीम। इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसने जीता है फर्स्ट प्राइज अंडर कायाकल्प स्कीम। फिर देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, और DRDO ने इंडियन आर्मी के साथ मिलके इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस मशीन पिस्टल बनाई है, इसका नाम है ASMI, ठीक है, एसमी इसका नाम है। और इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये अभी रिसेंटली किसी इवेंट में डिस्प्ले भी की गई थी यहाँ पे। तो फर्स्ट ASMI इंडिजिनस मशीन पिस्टल, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग सभी याद रखिएगा। DRDO के बारे में थोड़ा देख लीजिए, DRDO का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये डिफेंस एंड रिसर्च एजेंसी है और ये स्टेब्लिश की गई थी 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। फिर देखिए वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन ऑरिंगेटन जिसको नाम था इंजी, इसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इंजी ओल्डेस्ट, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ऑरिंगेटन था, शी वाज फीमेल सुमात्रन, तो इंजी नाम ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ऑरिंगेटन था ये, ठीक है। फिर ये देखिए
गवर्नमेंट ने कमेटी सेटअप की थी रिव्यू करने के लिए टीवी रेटिंग एजेंसी गाइडलाइंस एंड टारगेट रेटिंग पॉइंट रूल्स को कंट्री में। उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की मिनिस्ट्री ऑफ INB को, और कमेटी जो जो है वो हेड की गई थी भाई शशि एस वेमपति। ये ध्यान रखिएगा किसने इस कमेटी को हेड किया था, इसको हेड किया था SS वेमपति ने, SS वेमपति ने इसको हेड किया था, और भी 3 एक्सपर्ट थे। तो SS वेमपति जो है वो CEO है ऑफ द कंट्री ऑफ लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए प्रसार भारती के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। प्रसार भारती जो है वो लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टर है कंट्री में, विच कंप्राइजेज दी दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क एंड ऑल इंडिया रेडियो, और 1997 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, फिर देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया कि इनका प्लान है जियो टैग करने का जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ पे, पुंडुचेरी में। तो यहाँ रखिएगा कहाँ पे ये जियो टैगिंग हो रही है, ये पुंडुचेरी में हो रही है। ठीक है, फिर दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आप लोग ये ध्यान रख लीजिए, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में देख लीजिए। तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप किया था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के अंदर में। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा एट प्रेजेंट 6 कमिटीज जो हैं जिसको हम लोग माइनॉरिटी कम्युनिटीज रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी कम्युनिटी माइनॉरिटी नहीं है या कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं माइनॉरिटीज। तो ध्यान रखिएगा टोटल नंबर 6 है, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, सिख्स, जोरास्ट्रियंस, बुद्धिस्ट और जैंस। ठीक है, ये 6 माइनॉरिटीज हैं केवल इस समय कंट्री में प्रेजेंट में। फिर देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने टैगिंग करना शुरू किया टर्टल्स का इन ऑर्डर टू मॉनिटर द माइग्रेशन रूट ऑफ एंडेंजर्ड ऑलिव रिटलर्स। ऑलिव रिडले टर्टल्स आपको पता है उड़ीसा में मिलते हैं वहाँ पे शोर पे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि ऑलिव रिडले जो है टर्टल्स आपको उड़ीसा में मिलते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है ऑलिव रिडले टर्टल्स, मास नेस्टिंग होती है वहाँ पर, शोर पे आ जाते हैं एकदम इस टाइम पे। फिर देखिए कोई एक इंस्टीट्यूट है धुरम यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स, उसने क्रिएट किया एक सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन जो इलस्ट्रेट करता है कि कैसे हाउ एंशियंट कोलोजन जो है कुड हैव क्रिएटेड द मून, कैसे एंशियंट कोलोजन ने मून को क्रिएट किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा बहुत सारे ऑस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि जो कोलोजन हुआ था अर्थ का विद मार्स साइज प्लानिट, उसका नाम था थिया, उससे ये मून जो है वो क्रिएट हुआ था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, थिया प्लानिट नाम था, ऐसा मानते हैं कि इससे मून जो है वो क्रिएट हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, मिनिस्ट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये लॉन्च कर रही है थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थर्ड फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लॉन्च किया जा रहा है। तो ये एक मिशन था स्किल इंडिया मिशन, ये लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, 2015 में लॉन्च किया था इसको, और ये जो स्किल इंडिया मिशन है ये मैनेज किया जाता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NSDC के द्वारा। ठीक है, तो जो एम था इसका वो यही था कि स्किल प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ट्रेन करना है 40 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस को बाय द ईयर 2022, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो इसी के अंडर में है, स्किल इंडिया मिशन के अंडर में ही आती है ये। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो इसका थर्ड फेज PMKVY 3.0 इसको लॉन्च किया है। फिर ध्यान रखिएगा आपसे पूछ सकता है, ये बेंगलुरु जो है इसको डेजिग्नेट किया गया कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मैच्योर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। ध्यान रखिएगा एक रिसर्च हुई थी लंदन में और बेंगलुरु को फास्टेस्ट ग्रोइंग मैच्योर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पूरे वर्ल्ड में 2016 से ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, इसको डेजिग्नेट किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है ये चीज एग्जाम में। फिर देखिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, दूसरा कौन है, CBSE। ठीक है, ये लोग नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन इनके साथ आए, और इन्होंने प्रोवाइड किया रिसेंटली एक कोलैब कैट प्रोग्राम फॉर CBSE और पब्लिश किया एक डिटेल ई बुक ऑन कोलैब कैट 3D मॉडलिंग। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जो कोलैब कैट सॉफ्टवेयर है CBSE के लिए, और ये जो बुक रिलीज की है ई बुक कोलैब कैट 3D मॉडलिंग, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया, और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसके बारे में आप लोग ध्यान कर लीजिए कि NIC जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है। ठीक है,
और ये क्या होता है, ये प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर आईटी सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे डिजिटल इंडिया के अंडर भी इसने काफ़ी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की है। तो ये जो आपका ये कोलैब कैड जो है, ये एक इनोवेटिव है 3D मॉडल लर्न करने का, ठीक है, एक इनोवेटिव वे में उसको लेके ये बनाया गया है। तो यही पूरा इन्फॉर्मेशन था इसके बारे में, ठीक है। ये पहला इंडिजिनस टूल है कोलैब कैड, और लर्निंग को एनहेंस करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। फिर देखिए, एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया, हिसार एयरपोर्ट हरियाणा में, ध्यान रखिएगा हिसार एयरपोर्ट ये नया बना है और इसका इनॉग्रेशन हुआ, और फर्स्ट फ्लाइट जो है हिसार एयरपोर्ट जो है वो फ्लैग ऑफ की गई, और सीएम कौन है, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, ध्यान रखिएगा। रिसेंटली ये एयरपोर्ट बना है हिसार एयरपोर्ट, इसका इनॉग्रेशन हुआ है। फिर देखिए, गूगल ने रिसेंटली एक पर्सनल लोन एप्स जो इंडिया में बहुत सारी रन कर रही गूगल में, उसको रिमूव करना शुरू किया प्ले स्टोर से। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद जो डिजिटल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं उसको कर्व करने के लिए गूगल ने ये स्टेप रिसेंटली लिया, ठीक है। जितने भी पर्सनल लोन वगैरह जो बहुत ज़्यादा बांटे जा रहे थे प्ले स्टोर में, बहुत सारी एप्स हैं, उनको सबको रिमूव करना शुरू कर दिया गूगल ने। ये देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, देखिए गूगल ने फाइनली कंप्लीट किया एक्विजिशन फिटबिट का। फिटबिट क्या है, फिटबिट एक स्मार्ट वियरेबल, ठीक है, वॉच कंपनी है। तो इसको एक्विजिशन कर लिया है, ठीक है। तो ये एक अमेरिकन फिटनेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है फिटबिट, 2007 में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, किसने एक्विजिशन किया है फिटबिट का, गूगल ने। फिर ये देखिए, ये भी लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको कि एम्प्लॉयज जो हैं वो अल्फाबेट के, वो एक साथ आए, तो उन्होंने अपनी एक यूनियन फॉर्म की, और अल्फाबेट ध्यान रखिएगा पेरेंट कंपनी है गूगल की, गूगल की ही पेरेंट कंपनी है गूगल, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट अभी 700 लोग हैं इस यूनियन में। फिर देखिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने वोट किया है इम्पीच करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट है जो 2 बार इम्पीच हो चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 बार इम्पीच हो चुके हैं ये, और ये फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट है। तो ध्यान रखिए, आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट कौन कौन है अब तक जो इम्पीच हुए, तो यही है केवल ओनली। फिर देखिए, तिरुवल्लुवर डे, ठीक है, तिरुवल्लुवर डे जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है 15 जैन को, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ पोंगल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, और इनकी जो बुक थी, ठीक है, तिरुकराल, इनका जो बेस्ट वर्क था, सेलिब्रेशन था, वो था तिरुकराल। तो इसमें कलेक्शन था आपका लव, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल मैटर्स से, इन सब से रिलेटेड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तिरुवल्लुवर डे 15 जैन को ऑब्जर्व किया जाता है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ पोंगल, और कहाँ, तमिलनाडु में, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, इनका वर्क जो बताया वो भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, नासा के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि 2020 और 2016 ये वार्मेस्ट ईयर थे, ठीक है, ये वार्मेस्ट ईयर थे अब तक के, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट जो है वो स्टडी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था 2020 में, वो 1.202 डिग्री सेल्सियस जो था वो ज़्यादा था जो बेस लाइन सेट की गई है 1951-1981 के अकॉर्डिंग। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 2020 और 2016 ये वार्मेस्ट ईयर है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, गूगल ने इनको ऑनर किया, ठीक है, इनका नाम है जेम्स नेस्मिथ। तो ये किस लिए फेमस है, इन्होंने, ठीक है, इन्वेंट किया था बास्केटबॉल गेम को, ठीक है, बास्केटबॉल गेम को इन्वेंट किया था, और नाम इनका ध्यान रखिएगा जेम्स नेस्मिथ। फिर देखिए, इंडिया ने सेट किया अपना टारगेट अचीव करने के लिए 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद गैसोलीन कब, बाय द ईयर 2025। तो ये ईयर ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंड करने का टारगेट इंडिया का, ठीक है, विद गैसोलीन। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इस डेडलाइन को। फिर देखिए, ट्रेडिशनल काइट फेस्टिवल और शाकरेन फेस्टिवल भी बोलते हैं, यह सेलिब्रेट किया गया बांग्लादेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शाकरेन फेस्टिवल भी और ट्रेडिशनल काइट फेस्टिवल जो है वो बांग्लादेश में, आपसे पूछ सकता है इस तरीके से कि शाकरेन फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था रिसेंटली, तो वो सेलिब्रेट किया गया था आपका बांग्लादेश में।
फिर देखिए, इंडिया और जापान, इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक एग्रीमेंट, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो बेसिकली कॉपरेशन करना था 5G की फील्ड में कॉपरेशन करना था, इसको लेकर के इसको साइन किया गया है, इस एग्रीमेंट को। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया और जापान ने रिसेंटली MOU जो साइन किया है वो 5G को लेकर के किया है। फिर देखिए, एक बोजान कोंडा बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है, ठीक है, वहाँ पर बौद्ध मेला होता है और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं इस मेला में। तो ये संस्कृति संक्रांति के बाद होता है ये मेला, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, संक्रांति के बाद होता है ये मेला। और कहाँ पर हुआ था ये? बोजान कोंडा बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है बोजान कोंडा, ये एक रॉक कट केव है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम पट्टनम में है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपसे पूछ सकता है बोजान कोंडा बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है ये। फिर देखिए, 16 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने बिगिन किया फर्स्ट स्टेज ऑफ COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये इंडिया का मास वैक्सीनेशन है जो शुरू हो गया है। तो फर्स्ट फेज में लगभग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज वर्कर हो गए, इन लोग को फर्स्ट फेज में वैक्सीनेशन दिया जाएगा और धीरे धीरे वैक्सीनेशन को वाइड किया जाएगा। फिर ये देखिए, भारत का अमृत महोत्सव, ये इम्पोर्टेंट है, भारत का अमृत महोत्सव, ठीक है, ये भारत का अमृत महोत्सव जो है इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने के लिए ये होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड किया कि सेलिब्रेट करेंगे 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, और ये होगा 15 अगस्त 2022 के पहले, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी। और ये खासतौर से भारत का अमृत महोत्सव, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, नासा टेस्ट करेगा अपना मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर जो अभी तक इसने बनाया है, पर इसको कहीं किसी भी प्लेस पे लॉन्च नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि मोस्ट पावरफुल रॉकेट अभी तक अभी किस रिसेंट एजेंसी ने टेस्ट किया है, तो उसको किया है अभी तक नासा ने, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर, देखिए ये बर्ड है, इस बर्ड का नाम है, ठीक है, इसका नाम है होबरा बस्टर्ड, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, होबरा बस्टर्ड। और इस इनको इनको हंट करने के लिए परमिशन दी गई है इनको शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को, ये दुबई के किंग है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये दुबई के किंग है और इनको परमिशन दी गई है हंट करने के लिए, ठीक है। ये हंटिंग सीजन में हर साल यहाँ पे आते हैं और पाकिस्तान ने इनको स्पेशल परमिशन दी है इसके लिए। फिर देखिए, एक कैंपेन लॉन्च किया गया, उसका कैंपेन का नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम है सक्षम। तो ये लॉन्च किया गया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने किया है, और ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इसके अंडर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा, एक रिसेंट में अभी रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उस रिपोर्ट में क्या था कि जो यूनाइटेड नेशन ने ये बताया था कि इंडियन डायस्पोरा जो है वो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट डायस्पोरा है। तो ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट डायस्पोरा किसका है, वो है इंडियंस का, एक ये करंट अफेयर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और करंट अफेयर है, ठीक है, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एक टर्म है मिनुस्मा, ठीक है, MINUSMA। तो मिनुस्मा का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड स्टेबिलाइजेशन मिशन इन माली, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन का है और ये पीस कीपिंग मिशन है यूनाइटेड नेशन का माली में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन, ठीक है, कहाँ पे है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मिनुस्मा MINUSMA, और ये माली में है, ठीक है, इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 17 जैन तक के सारे करंट अफेयर थे, ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मंथ के एंड में, लास्ट पार्ट में. ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच.